अच्छा, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था स्वैट के अंदर, वो सब कुछ समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा दोबारा स्टार्ट करवाता हूँ बैकग्राउंड के वजह से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो ये बुक है जो मैंने व्हाट्सएप पे भी शेयर की हुई है। तो इस बुक में आपके इस बुक में जितनी भी चीज़ें हम उसको गो थ्रू पढ़ेंगे, इस बुक के ऊपर ये आपके सामने ये आपका टॉपिक और लेसन वगैरह सब कुछ इस पर लिखे हुए हैं। तो प्रैक्टिकल्स करने हैं हमने, ईच एंड एवरीथिंग। मेन समझ लीजिए, आपने अपनी पूरी बुक पढ़नी है 55 के पेज, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी वो हम भी उसको गो थ्रू करेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन मैं आपको फिर दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ थोड़ा सा, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे। कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या करती है वो? इन्वॉल्व्स द एक्टिविटी, यानी वो मैथमेटिकल ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, ग्राफिकल मैनिपुलेशन, वो सब काम करता है। कौन करता है? कंप्यूटर। और ये काम किस तरह होता है? जब उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर काम करें। हार्डवेयर क्या होते हैं? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था फिजिकल पार्ट क्या होता है, वो आपका हार्डवेयर होता है जो आप देख सकते हो, छू कर सीन कर सकते हो, क्या होते हैं हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर हम की यूज करते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर भी क्या होते हैं? किसी काम को परफॉर्म करने के लिए हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं। अब इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होती है? मैथमेटिकल इक्वेशन ये होती है कि आपका कंप्यूटर शुरू से ना ट्रू या फॉल्स की बेस पे चलता है। तो ट्रू और ये फॉल्स, अगर काम आपने करना है तो वो कंडीशन क्या होगी? ट्रू। अगर आपने काम नहीं करना तो कंडीशन क्या होगी? फॉल्स। तो ये लॉजिकल। और ग्राफिकल मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? इस अभी आपके सामने ये माउस नजर आ रहा है, तो ये क्या है? ग्राफिकल मैनिपुलेशन। मैं माउस को मूव कर रहा हूँ तो ये ग्राफिकल मैनिपुलेशन हो रही है, यानी मेरा माउस एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगी? ग्राफिकल मैनिपुलेशन। अच्छा, इसके तीन ऑपरेशन होते हैं। क्या होते हैं? फर्स्ट, इस इट रिसीव द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इट टू इनपुट डिवाइस। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी इनपुट डिवाइसेस वो होती है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देती है कि भाई आपने ये काम करना है, तो या मैं तो मैं माउस या कीबोर्ड या दूसरी इनपुट डिवाइसेस से जो हम पिछले लेक्चर में पढ़ के हैं, वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देंगी कि भाई आपने ये काम करना है। और प्रोसेसर, प्रोसेसर क्या होता है? जो मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है वो इन इंस्ट्रक्शन को रीड आउट करता है और इसके मुताबिक उनके परफॉर्म करता है। और जब उसने परफॉर्म कर देना कर देता है तो हमें आउटपुट के जरिए वो हमें रिजल्ट शो करवाते हैं। और किसके ऊपर शो करवाते हैं? वो हमारी एलसीडी जो हो सकती है। एलसीडी क्या है? आउटपुट डिवाइस है। मीटर आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ कंप्यूटर की मेन डेफिनेशन थी। इसके बाद होता है हमारे पास डेटा। अब डेटा मेन मेन चीज पढ़ लेते हैं। डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स सिंबॉलिक, ये हमारे पास क्या होता है? डेटा होता है। मीन आप जब डेटा इकट्ठा करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्वे करते हो, सर्वे किस तरह करते हो? कोरोना वायरस का सर्वे करते हो। आप घर घर के अंदर जाके फैमिली मेंबर पूछते हो, उनके नंबर ऑफ मेंबर्स पूछते हो, मेल पूछते हो, फीमेल पूछते हो। जब आपने वो डेटा आपके पास सारा कलेक्ट हो गया, फिर आप क्या करते हो? उसके प्योरीफाई करते हो। प्योरीफाई का मतलब क्या है कि इस इलाके में कितने मेल रहते हैं, कितने फीमेल रहते हैं, कितने बुजुर्ग रहते हैं, तो ये आप उसको प्योरीफाई कर देते हो। जब आपके पास वो प्योरीफाई हो जाती है तो वो आपके पास क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन क्या बन जाती है? मीन आप उस डेटा को प्रोसेस कर देते हो तो हमारे पास वो क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो आप उसको रीअरेंज करते हो उस डेटा की बुनियाद पे। ठीक है, और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट एनेबल द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ गिवन टास्क। यानी प्रोग्राम क्या होता है? ये हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है जो हम उसको टास्क देते हैं, वो उसको कंप्लीट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसको मिनिमाइज किया तो ये मेरी स्क्रीन नीचे हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि ये मिनिमाइज के पीछे एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है कि इसने स्क्रीन को बंद कर देना है। इस तरह क्रॉस एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जब मैं इस क्रॉस के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरी पीडीएफ क्या हो जाएगी? क्लोज हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गई? समझ आ गई सना मुझे? जी जी सर, मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा, थोड़ा स्लो बोलूं कि इतनी स्पीड बहुत है? सर समझ नहीं आई क्या बोला है। मैं कह रहा हूँ इतनी स्पीड बहुत है कि थोड़ा स्लो बोलूं? नहीं ठीक है, बस आवाज थोड़ी आहिस्ता आ रही है। ठीक हो गया, मैं थोड़ा माइक क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, हुँ. नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? कंप्यूटर के एडवांटेजेस क्या आते हैं? सबसे पहली बात, हाई स्पीड। हाई स्पीड का मतलब क्या होता है कि ये कंप्यूटर से ज़्यादा, ह्यूमन से ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकता है। मैं इसमें मिलियंस ऑफ नंबर्स ऐड करता हूँ, ये 1 सेकंड के अंदर कैलकुलेशन कर देगा।
तो ये इसका मतलब क्या है, हाई स्पीड एक्यूरेसी। कंप्यूटर मच एक्यूरेस होते हैं बनिस्बत ह्यूमन के। मतलब क्या है, मतलब ये कि जितनी भी आपने हाई बिल्डिंग के डिजाइन देखे होंगे, आर्किटेक्चर से देखे होंगे, मॉडल्स देखे होंगे, सब कुछ कहाँ पे बनते हैं, कंप्यूटर के बनते थे। क्योंकि कंप्यूटर एक एक इंच को मैयत करता है, उन्हीं की बेस पे आप बिल्डिंग बनाते हो। अगर उस एक इंच में कोई भी फर्क आ जाता तो आज आप ये बुर्ज खलीफा ना देखते, आईफल टावर ना देखते, इतने बड़े बड़े आप टावर ना देखते, क्योंकि ये सब कुछ डिजाइन किसके ऊपर है, कंप्यूटर के ऊपर हुए हैं। उसके बाद क्या आता है, स्टोरेज। स्टोरेज मीन आप स्टोर कर सकते हो मिलियंस ऑफ डाटा, आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। आप स्टोरेज में आप क्या होते हैं, आप इंफॉर्मेशन, पिक्चर्स वगैरह, जितनी भी चीजें हैं, आप लाइटनिंग की स्पीड से सेव कर सकते हो। लाइटनिंग की स्पीड से इतनी स्पीड से आप सेव कर सकते हो कि पता चलते आपका सारा डाटा स्टोर हो जाता है। ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि अगर आपने कंप्यूटर को समझा दिया कि ये काम कर दिया, तो अगर आप सो जाओगे तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली उस काम को करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जितनी भी इंडस्ट्री है वहाँ पे सारे कंप्यूटर फिट होते हैं, वो एक पूरे असेंबली लाइन्स में होते हैं। अब एक हिस्से में कार बनती है, उस अगले हिस्से में पेंट बनता है, उसके अगले हिस्से में क्या बनता है, कार के पार्ट्स लगते हैं, फिर इंजन लगता है, इंजन लगने के बाद उसके टायर लगते हैं, और एट द एंड वो आपके पास कार बनी आ जाती है। तो ये सारे जितनी भी असेंबली लाइन है उसमें पहले से ऑलरेडी प्रोग्राम इंस्टॉल किया होता है। जो आप पेंट वाले के पास है, पेंट को पता है मैंने इस कार को पेंट करना, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको पेंट कर देना है। तो उसमें लिटिल बिट ह्यूमन इन्वॉल्व होते हैं, जो जस्ट मशीन को देख रहे होते हैं कि वो काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए हमारी जो इंडस्ट्री होती है वो दिन रात चलती रहती है। कभी आपने रेस फैक्ट्री की कमर्शियल देखी हो, तो उसमें क्या करते हैं, बस उसमें आलू ड्रॉप करते हैं, ऑटोमेटिकली वो आलू वॉश होते हैं, फिर प्लांट से गुजरते हैं, साफ करते हैं, कटिंग होती है, फिर उसके ऊपर मसाला लगाया जाता है, फिर फ्राई होते हैं, पैकिंग होती है, पैकिंग करने के बाद वो आपके पास रेस का पैकेट आ जाता है। तो इसके अंदर जितनी भी है सारे प्रोग्राम ऑटोमेटिकली सेट है, ठीक है। डेलिजेंस। डेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर वही काम बार बार करता रहेगा विद सेम एक्यूरेसी के साथ, और कभी थकेगा भी नहीं। अगर आपने कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया भाई ये काम करो, तो उसमें दिन रात कोई काम करते रहना है थके बगैर। वर्सटाइल। वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर फ्लेक्सिबल होता है नॉर्मल सिंपल प्रोग्राम के लिए भी और कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए। यानी हमने कंप्यूटर को ऐसा बना दे कि आसान से आसान भी काम कर सकता है और मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकता है, अगर हम उसको समझा सकें। कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्या, इसे मुराद क्या है, अगर आपके पास पेपर वर्क होता तो आप क्या करते हैं, पेपर यूज करते 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 एक का काम एक दिन पे किया, दूसरा काम किया, तीसरा काम किया, आपके पास पेपर ज्यादा जाया होने थे, इंक जाया होनी थी, ह्यूमन एफर्ट जाया होनी थी। लेकिन अगर वही आप कंप्यूटर के ऊपर करते हो, कंप्यूटर पे आपकी फाइल सेव हो जाती है, आप कहते हैं मैंने इस दिन का काम इस पे किया, तो आप मिलियंस ऑफ डे का काम सेव कर सकते हो कंप्यूटर के ऊपर। तो इस वजह से ये हमारी सारी कॉस्ट अफेक्टिंग के अंदर भी काम आता है। ये तो हमने सारे पढ़ लिए इसके एडवांटेजेस। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन से मुराद क्या है कि कुछ कंप्यूटर की ना लिमिटेशन भी है, यानी कुछ कंप्यूटर को एक लिमिट के अंदर भी आता है। सबसे पहले क्या है कि कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शन और जो होता है टास्क वो हमें एक्यूरेटली देना चाहिए। अगर कंप्यूटर को हमने कहना है कि ए प्लस बी करो, तो कंप्यूटर ने उसको ए प्लस बी करना है। अगर हमने माइनस का साइन कर दिया तो कंप्यूटर ने उसको माइनस कर देना है। तो इसलिए जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे वो क्लियर होनी चाहिए, ताकि कंप्यूटर उसे इजीली कर सके। कंप्यूटर कैन नॉट थिंक, ये अंडरस्टूड बात है। अगर कंप्यूटर ये सोचना शुरू करते हैं तो हमारी दुनिया का एंड हो जाएगा, इसलिए कंप्यूटर कभी सोचता नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर को किसने बनाया, ह्यूमंस ने बनाया है। तो कंप्यूटर कैन नॉट लर्न बाय एक्सपीरियंस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मैंने अगर ए प्लस बी किया तो नेक्स्ट टाइम मैं ए प्लस बी करूंगा, तो कंप्यूटर को ये नहीं पता होगा कि मैंने पिछली दफा ए प्लस बी किया, उसने जस्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। तो इसलिए कंप्यूटर कैन नॉट Done by experience। उसके बाद आता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अच्छा, अब इसमें दो टाइप की जनरेशन होती है, मैं आपको बताऊंगा। जनरेशन ऑफ प्रोसेसर, जनरेशन ऑफ रैम, जनरेशन ऑफ रोम्स। ये देखेंगे, ये सबसे पहले आप देखो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जो हमारे पास कंप्यूटर आए थे वो 1946 से 1954 तक स्टार्ट हुए। इसमें वैक्यूम ट्यूब, ये बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। अब वैक्यूम ट्यूब का मतलब क्या होता है कि आपने जो अपने पुराने घर के टीवी देखे होंगे, जो बड़े बड़े टीवी होते थे उसके अंदर वैक्यूम्स बनी होती हैं। अब वैक्यूम क्या होती है कि उसमें से हवा को खारिज कर देते थे, तो उसके अंदर हम गैस बर्न करते थे। जब गैस बर्न होती थी तो हमें वो डिस्प्ले नजर आता था। तो जो फर्स्ट कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे, और ये एक कमरे जितने बड़े कंप्यूटर होते थे। फिर सेकेंड जनरेशन आए,
सेकेंड जनरेशन में उन वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर ने दे दी। ट्रांजिस्टर्स लेने से हमारे कुछ कंप्यूटर का साइज कम हुआ। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स चिप्स की फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये थोड़े से लार्ज स्केल में थे। फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन जो आजकल के हम यूज कर रहे हैं, फोर्थ जनरेशन में छोटे स्माइल के इंटीग्रेटेड सर्किट आए थे और फिफ्थ जनरेशन में हमारे पास अल्ट्रा स्मॉल साइज के इंटीग्रेटेड सर्किट आए। अब इंटीग्रेटेड सर्किट से क्या मुराद है, इस एक ब्लॉक के अंदर हमारे यानी एक इंच के अंदर नंबर ऑफ सर्किट्स बने होते हैं जो ऑन ऑफ होते हैं। अब ऑन ऑफ क्यों होते हैं वो मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा, तो हाँ जी आ रही है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछना है, हेजिटेशन नहीं फील करनी, समझ आ गई? ठीक है सर। अच्छा अभी नेक्स्ट आते हैं हम, उसके बाद आता है हमारे पास एंटोनमी ऑफ कंप्यूटर्स। यानी ये एंटोनमी ऑफ कंप्यूटर क्या के बेसिक लेआउट है हमारे किसी भी कंप्यूटर का। यहाँ से इनपुट डिवाइसेस जो मैंने आपको बता चुका हूँ कौन से, माउस, कीबोर्ड्स और दूसरे हेड माइक, ये हमारे पास सारी क्या आती हैं, इनपुट डिवाइसेस आती हैं। इसके तहत जनरल प्रोसेसर यूनिट, अब इसको मैं अभी नेक्स्ट में डिटेल से पढ़ाऊंगा कि क्या चीज़ होती है, और आउटपुट डिवाइसेस वो चीज़ होती हैं जो इसको रिजल्ट परफॉर्म करके हमें डिस्प्ले करवाती हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें होती हैं, इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का मैं आपको बता चुका हूँ, सीपीयू, सीपीयू मीन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब मैं आपको जरा दिखा दूं प्रोसेसर क्या चीज होती है। अच्छा ये नजर आ रहा है आपको सीपीयू? अच्छा ये नजर आ रहा है आपको सीपीयू? जी जी आ रहा है। अच्छा इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ये ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होते हैं। आप इसके देखो ये येलो येलो के ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये बिलियंस की तादाद के अंदर ऊपर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। जब ये ऑन ऑफ होते हैं तो आपका कोई काम परफॉर्म होता है। ठीक है, इसलिए हम इसके अंदर सीपीयू रखते हैं। अब सीपीयू किस चीजों से बनाता है, मेमोरी यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट। ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि नेक्स्ट चीजें क्या होती हैं। मेमोरी यूनिट से मुराद क्या होती है, मेमोरी यूनिट से मुराद जी 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 सर जी, मोबाइल शट डाउन होने लगा, 1% बैटरी है तो आप चार्जिंग लगाओ ना इसे, चार्जिंग लगा के बैठो। सर लाइट ही नहीं है, सुबह की लाइट नहीं है। अच्छा मैं इसे रिकॉर्ड करता हूँ फिर इसको लगा देता हूँ, आपको यूट्यूब पर लगा दूंगा। ठीक है ठीक है, उतनी देर आप सुन लो, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर बाकी स्टूडेंट्स नहीं है? नहीं बाकी स्टूडेंट तो आए नहीं है। ठीक है, एनीवे मैं इसको अपलोड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा मेमोरी यूनिट क्या होता है, स्टोर द प्रोग्राम एंड डाटा। हम इस मेमोरी यूनिट, वो यूनिट जिसके अंदर हम प्रोग्राम या स्टोर कर सकते हैं या उसको रन आउट कर सकते हैं। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ALU। अर्थमेटिक का मतलब होता है एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, ये करना होता है। जबकि लॉजिकल यूनिट, लॉजिक मीन लॉजिक लगाना, ग्रेटर देन, लेस देन, क्या ए बी से बड़ा है, ये एक लॉजिक है। अगर ए बी से बड़ा होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ए बी से बड़ा नहीं होगा ये कंडीशन फॉल्स होगी। इसे हम क्या कहते हैं, लॉजिकल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है, कंट्रोल यूनिट वो होता है कि वो जो सारी इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है, तो उसको अर्थमेटिक में करना है या लॉजिकल यूनिट में करना है या इनपुट के पास भेजना है या आउटपुट के पास भेजना है, ये कंट्रोल यूनिट हमारे पास होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। अब मैं आपको एक मेन चीज बताता हूँ कि कंप्यूटर जस्ट हमारे पास जीरो या वन समझता है, जीरो या वन, इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स। अब ये मैंने आपको सीपीयू दिखाया, मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पे ये सर्किट ऑन ऑफ होते हैं, जब ऑफ होगा तो वो जीरो होगा, जब ऑन होगा तब वो वन होगा, तो ये काम करता है। अब आप ये सोच रहे होगे यहाँ पे लिखा हुआ है सीपीयू,
सीपीयू, देखिए यहाँ पे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, कंप्यूटर को कैसे अंडरस्टैंड होता है, कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करता है जीरो वन की फॉर्म में, फिर उसको समझता है। मैं ये आगे बताऊंगा किस तरह कन्वर्ट करता है। बहरहाल आपने इतना जानता है कि जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के सीपीयू तक जाती है वो जीरो वन की फॉर्म में जाती है। कंप्यूटर कभी नहीं सोचता कि ए बी सी क्या है, वन टू क्या है, सिंबल क्या है, किसी चीज को नहीं समझता। कंप्यूटर जस्ट जीरो या वन को, इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स। तो जितनी भी तो कन्वर्जन ये जीरो हो, वन दोबारा बता दें। अच्छा जीरो वन ये होता है कि कंप्यूटर जस्ट हमारा अंडरस्टैंड करता है, जो ये सीपीयू होता है वो जस्ट अंडरस्टैंड करता है जीरो या वन। अच्छा छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आप अपने रूम के अंदर जाते हो, अगर आपको गर्मी महसूस हो रही होती है तो आप क्या करते हो, फैन को ऑन करते हो। जब आपने फैन को ऑन किया तो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है और फैन चलना शुरू हो जाता है। अगर आपको ज्यादा गर्म सर्दी लगती है तो आप फैन को ऑफ कर देते हो तो फैन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो यही सेम काम क्या करता है, कंप्यूटर करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से ग्रेटर होगा तो मैं उसको क्या करूंगा, वन रिटर्न करूंगा। वन का मतलब है ये कंडीशन टू है। अगर ए बी से ग्रेटर नहीं होगा तो मैं उसको क्या करूंगा, जीरो रिटर्न करूंगा, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो कंप्यूटर जस्ट जीरो या वन की फॉर्म समझता है, क्योंकि ये जो सर्किट्स होते हैं ये जस्ट ऑन ऑफ होते हैं। जब ये ऑन ऑफ होंगे तो आपकी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। वो ये नहीं होता कि मैं यहाँ से इसको मिनिमाइज किया तो ये नीचे चला गया, वो मिनिमाइज करने के पीछे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये मैं आगे डिटेल से पढ़ाऊंगा इसका ठीक मतलब क्या है। तो अभी फिलहाल ये समझो कि कंप्यूटर क्या समझता है, जीरो वन बाइनरी डिजिट समझता है। ठीक है, है। ए एल यू मैंने आपको पढ़ा दिया। ए एल यू अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस एडिशन करना। लॉजिकल यूनिट हमारे पास क्या होते हैं, ग्रेटर देन लेस देन, ये सारी चीजें वगैरह होती हैं लॉजिकल यूनिट। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये सेंट्रल नर्वस ऑफ सिस्टम होता है, ये हर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और पूछता है कि मैंने ए एल यू के पास भेजना है, लॉजिकल यूनिट के पास भेजना है, या इसको सेव करना है, या आउटपुट डिवाइसिस के पास भेजना है। तो ये इसी के अंदर अर्थमेटिक भी होता है, इसी के अंदर कंट्रोल यूनिट भी होता है, और इसी के अंदर क्या होता है, मेमोरी भी होती है। ठीक है, ठीक है। तो अच्छा उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास इनपुट डिवाइसेस। मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस बता दिया, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर्स और ऑप्टिकल स्कैनर्स, ओएमआर, ओबीसीआर, मार्क रिजोल्यूशन, एमआईसीआर, इसमें से कुछ पूछना है। नहीं, ठीक है, मैं दोबारा सुनूंगी फिर डिटेल से, क्योंकि मैंने कंप्यूटर पहले नहीं पढ़ी हुई, तो जैसे तो थोड़ा सा मुश्किल होती है असाइनमेंट समझने असाइनमेंट नहीं बनाई आपने? में। हाफ बना ली, इनपुट डिवाइसेस की बना ली, आउटपुट की नहीं बनाई, वो तो उसे आज बनानी है आज। कंप्लीट करना था ना नेक्स्ट बार से। अच्छा हमारे पास क्या आती है तो नेक्स्ट, सबमिट कब करवानी है? आज ही करवानी थी, नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले करवानी होती है, फ्राइडे को जो भी असाइनमेंट हो। अच्छा हमारे पास क्या आती है, आउटपुट ठीक है, डिवाइसेस भी मैंने आपको बता दिया, टर्मिनल्स, मॉनिटर्स क्या होते हैं, प्रिंटर्स की मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, तो आप प्रिंटर्स यहाँ पे भी लिखा हुआ है जो आपने वहाँ पे करना था, तो आप इसे समझो फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। अब मेमोरी ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, मेमोरी मीन उसकी जगह जहाँ पे हम कोई स्टोर करते हैं चीज़ें, पिक्चर्स होगी, वीडियो होगी, फाइल्स होगी, स्टोर करती हैं। तो ये भी डिपेंड करती हैं तीन चीज़ों के ऊपर। एसएस टाइम, एसएस टाइम का मतलब है जब सीपीयू उससे डिमांड करता है कि भाई मुझे ये फाइल ला के दो, तो कितने रिस्पॉन्स रेट में फाइल ला के देता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप कभी मोबाइल परचेज करते हो तो आप देखते हो कि भाई मुझे 2 GB वाला रैम का मोबाइल या 3 GB रैम का मोबाइल चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना आपका मोबाइल फास्ट काम करेगा। ऐसा ही है ना, अगर आप 8 GB का रैम वाला मोबाइल लेते हो तो वो ज़्यादा फास्ट काम करेगा, अगर आप 3 GB वाली रैम का लेते हो वो उससे ज़्यादा कम फास्ट काम करेगा। इसका स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि जितनी ज़्यादा स्टोरेज होगी उतना ज़्यादा आप अमाउंट ऑफ पिक्चर्स, वीडियो वगैरह उसके अंदर स्टोर कर सकते हो। ठीक है, कॉस्ट पर बिट स्टोरेज, इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास मैंने आपको अभी बताया कि जनरेशन, तो
इसी तरह हमारे पास आती है मेमोरी के अंदर भी जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन होती थी वो ज्यादा कॉस्ट रहती थी स्टोरेज सेव करने में, जो सेकंड जनरेशन होती है वो कम कॉस्ट रहती है स्टोरेज करने में। इसी तरह जो हमारे पास अब लेटेस्ट जा रही है फिफ्थ जनरेशन, वो कम कॉस्ट रहती है स्टोर करने में। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक 2 GB की मूवी है, मैं उसको सेव करता हूँ अगर फर्स्ट जनरेशन के अंदर, तो मेरे पास वो 2 GB सेव होगी 2 घंटे के अंदर। अगर मैं उसको फिफ्थ जनरेशन के अंदर स्टोर करता हूँ तो वही 2 GB मेरे पास सेव होगी जस्ट 15 या 20 मिनट के अंदर वो सेव होगी, क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगी और वो कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज स्टोर कर सकेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास यूनिट ऑफ मेमोरी। सर जी, जी जी सर जी, मोबाइल शट डाउन होने लगा है। ठीक है, मैं ये अपलोड कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, बस 2 मिनट रह गए हैं। ठीक है, यूनिट ऑफ मेमोरी हमारे पास, यूनिट ऑफ मेमोरी। अब यूनिट ऑफ मेमोरी, मेमोरी का बेसिकली जस्ट एक ही यूनिट है, जो सबसे बेसिक है वो है 0 या 1। वो क्या है? 0 या 1। 0 mean off, 1 mean on। तो जब होता है हमारे पास करेक्टर्स, वो करेक्टर्स क्या होता है, वो स्टोर होता है उस 8 bit के अंदर। इसको मैं आपको जरा इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे जरा हार्ड होने दो। अच्छा, ये नजर आ रहा है आपको? 0 और 1 नजर आ रहा है? जी जी। अच्छा, मैंने आप भी आपको क्या कहा कि 0 और 1। 0 mean होता है ऑफ, 1 mean होता है हमारे पास ऑन। ठीक है, इसी तरह 0 इनको हम क्या कहते हैं, 0 और 1 को कहते हैं 1 bit। या तो वो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। अगर हमारे पास ये हो 0 1 0 1 0 1, तो ये कितने बिट बनता है? इसको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे पास बनती हैं 8 bit। ठीक है, इस बात की समझ आई? इस बात की समझ आई? हेलो, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 0 या 1, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है 0 mean off, 1 mean on। अब जो कंप्यूटर होगा, या तो वो 0 होगा या तो 1 होगा, उसको हम कहेंगे 1 bit। या तो वो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। अगर मैं ये लिखता हूँ 0 1 0 1 0 1, जितना भी जो मर्जी लिखता हूँ यहाँ पे, मैं इसको काउंट करूँगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरे पास 8 digits लिखे हुए हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, 8 bit। अगर मैं ये नेक्स्ट लिखता हूँ 0 1 0 1 0 1 0 1, तो ये कितने बिट बनेंगी? मैं इसको काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये मेरे पास बन जाएंगी 14 bit। इसी तरह हमारे पास अगर 8 bit होगी तो बनेगा 1 byte। अगर हमारे पास 1024 bytes होंगी तो हमारे पास बनेगा 1 KB। इस तरह अगर हमारे पास 1024 KB होंगी तो हमारे पास बनेगा 1 megabyte। मेगाबाइट MB को कहते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर 1024 MB होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 GB। किरण अक्कत, आप अभी आई हो? कहाँ थी आप इतनी देर? सर वो पता नहीं चला था, मैं हालांकि मैंने टाइम सेट किया हुआ था 6 बजे। 6:30 हो गए, अब तो लेक्चर एंड होने वाला है, तो अब आपको मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, फिर आप समझना, फिर का जो मसला होगा फिर आप मुझसे पूछना। ठीक है, अच्छा उसके बाद आता है हमारे पास कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? अब अभी मैंने आपको शुरू में बताया था के कंप्यूटर्स जो होता है हमारे पास, ये सीपीयू समझता है 0 या 1 की फॉर्म में। अब मैं जब ये टेक्स्ट पे लिख रहा हूँ ये बिट 1 > sign, ये कंप्यूटर को किस तरह पता लग रहा है, तो क्या करता है वो इनको कन्वर्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC,
तो कंप्यूटर क्या करेगा, कंप्यूटर इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, बिट के फॉर्म में। वो बिट क्या बनेगी, 0101, ये फॉर एग्जांपल ये बिट बनेगी। तो ये जो एबीसी है सबसे पहले कन्वर्ट होगी इस बिट फॉर्म में, फिर वो जाएगी सीपीयू के पास। तो सीपीयू क्या करेगा, इन सर्किट को इसके मुताबिक ऑन ऑफ करेगा। जब इसको इसके मुताबिक ऑन ऑफ करेगा तब जाके हमें पता चलेगा मैंने यहाँ पे ए बी सी रखी है। तो ये मिली ऑफ सेकंड के अंदर ये काम होता है, यानी आपकी आंखें झपकने से पहले इतना ये तेजी से ये काम परफॉर्म होता है। ठीक है, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन, ASCII इसका एब्रीवेशन है। हमारे पास डिफरेंट किस्म के कन्वर्जन आए थे, बिट कोड, 8 बिट कोड, जो इस सारी चीज़ों को कन्वर्ट करते थे, लेकिन सबसे अमेरिकन इंटरेस्ट है ये इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि हर जो डेल है, एचपी है, जो शुरू आईबीएम वाले कंप्यूटर, वो अपने अपने कन्वर्जन यूज़ करते थे। तो जब वो फाइल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे तो उस कंपनी वालों को मसला होता था, क्योंकि अगर एक कंपनी एचपी यूज़ कर रही होती थी, दूसरी कंपनी आईबीएम यूज़ कर रही होती थी, तो उनकी कन्वर्जन डिफरेंट होती थी, देयरफॉर उनकी फाइल में क्या हो जाता था, मसला हो जाता था। फिर क्या किया, बाद में उन्होंने एक ही स्टैंडर्ड बनाया जिसे हम क्या कहते हैं ASCII, जो आजकल के हर कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। अगर फाइल आप एक जगह से दूसरी जगह लेके भी जाते हो तो आपकी फाइल उस तरह की उस तरह जाती है, उसमें कोई मसला नहीं होता। तो ASCII का सबसे सिंपल वे क्या है, ए से लेकर जी तक 6590, यानी ए का नंबर क्या है 65। 65 को हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी फॉर्म के अंदर, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें वो शो होती है। बाइनरी फॉर्म के अंदर हम किस तरह कन्वर्ट करते हैं, मैं आपको पेंट ओपन करके दिखाता हूँ जरा। मैं यहाँ पे न्यू शेयर व्हाइट बोर्ड, अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा 65, ये सिंपल सी कन्वर्जन है। तो सिंपल सी कन्वर्जन हम इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 3 6 और यहाँ पे 5 बगा, 2 4 5, तो इसका रिमाइंडर क्या बचा 1। उसके बाद 2 1 2 और यहाँ से 1 वहाँ पे गया, 2 7 14, रिमाइंडर क्या बचा 0। इसी तरह हमारे पास 2 8 16, तो रिमाइंडर क्या बचा 1। और उसके बाद 2 4 8, रिमाइंडर क्या बचा 0। उसके बाद 2 2 4, रिमाइंडर क्या बचा 0। इसी तरह 2 1 2, रिमाइंडर क्या बचा 0। और इसको हम नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, तो इस नीचे क्या बचा हमारे पास 0 0 0 1 0 0, ये ए का बाइनरी कोड है। ये ए का क्या है हमारे पास बाइनरी कोड, और ए का ASCII क्या है हमारे पास 65। ये हमारे पास क्या है ASCII। तो जब मैं यहाँ पे ए टाइप करता हूँ तो ए क्या करता है, इसका ASCII बनाता है 65, और 65 के बाद इसका बनाता है ये बाइनरी कोड, और ये बाइनरी कोड जाके सीपीयू को सेंड करता है। तो सीपीयू को करता है अपने सर्किट ऑन ऑफ करता है, फिर उसके मतलब पता चलता है कि आपने ए टाइप किया है। ठीक है, टाइप ऑफ मेमोरी, हमारे पास दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, हमारे पास वो मेमोरी होती है जो मेन मेमोरी जिसे हम कहते हैं, इसमें हमारे पास क्या आ जाता है रैम और रोम। रैम मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन रीड ओनली मेमोरी। इतने बच्चे अब लेट आ रहे हैं यार, पहले कहाँ थे सारे। अच्छा, रैम मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम मीन रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या काम करती है, रैम आपकी टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी होती है, इसी तरह आपके मोबाइल पे भी रैम होती है। अब इसे टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरी क्यों कहा जाता है, जब सीपीयू कोई काम करता है, तो मैं आपको यहाँ पे रैम ओपन करके दिखा देता हूँ, ये रैम बनी हुई है। जब सीपीयू कोई काम करता है तो ये आपकी मेन चीज़ रैम होती है। तो सीपीयू जब कोई काम करता है तो उसको कहता है कि भाई रैम को हुक्म देता है कि मुझे ये फलां चीज़ लेके आओ। तो रैम क्या करता है, हार्ड डिस्क के पास जाता है, और हार्ड डिस्क से जो चीज़ें होती हैं इन चिप्स पे ला के वहाँ पे स्टोर करती है। स्टोर करने के बाद वो सीपीयू को दी जाती है। तो सीपीयू बार बार रैम से डिमांड करता है, रैम हार्ड डिस्क के पास जाती है, हार्ड डिस्क दे के सीपीयू को काम जो चीज़ें उसे रिक्वायर्ड होती हैं उसको पार्सल करी जाती है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, रैम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, हम रैंडमली उससे कोई ना कोई चीज़ें मंगवाई जाते हैं। ये हमारे पास टेम्परेरी क्यों होती है, जब आपने अपना सीपीयू ऑफ किया
तो रैम के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ क्या हो जाती हैं, और रिमूव हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर परमानेंटली स्टोर होती हैं और रैम में क्या होती हैं, टेम्परेरी स्टोर होती हैं। इसलिए जब कभी आपका मोबाइल स्लो होता है तो आप उसको रिस्टार्ट करते हैं, और रिस्टार्ट क्यों करते हैं, तो आपकी रैम फुल हुई होती है, तो जब आप रिस्टार्ट करते हैं तो आपकी रैम क्या हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है। इस तरह हमारे पास आता है रोम। रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड मीन हम उसे रीड कर सकते हैं। ये क्यों बनाई जाती है, रोम इसलिए बनाया जाता है जब भी कोई सीपीयू कोई मैन्युफैक्चर होता है तो उसके अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन सेव करता है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास लैपटॉप है, तो इस लैपटॉप के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये कौन सी कंपनी है, कहाँ इसके अंदर क्या क्या मदरबोर्ड है, क्या क्या प्रोसेसर है, क्या क्या इसमें चीज़ें लगी हैं, ये सारा कुछ उस रोम के अंदर स्टोर होता है। मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ, ये हमारे पास रोम लगा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास रोम है। इस रोम के अंदर सारी बेसिक इंफॉर्मेशन लगी होती है कि भाई इसके अंदर कौन सी सेटिंग है, बायोस की सेटिंग क्या क्या इसमें लगी हुई है, अच्छा ये इसके अंदर कौन सी कंपनी है, क्या क्या चीज़ें स्टोर हो सकती हैं, कितनी रैम तक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, कौन सी जनरेशन का प्रोसेसर लगा सकते हैं, ये सारा कुछ इस रोम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। और ये कभी भी रिमूव नहीं होती, लेकिन अली बता इसकी कुछ टाइप्स होती हैं जो इसको हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ क्या होती है कि ये कभी रिमूव नहीं होती। एक दफ़ा हमने सीपीयू बना दिया, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन सेव कर दी, बस ख़त्म, उसके बाद ये रिमूव नहीं हो सकती। उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिसके अंदर आपका परमानेंटली डाटा स्टोर होता है। वो आपके पास क्या होता है, हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डिवाइड, फ्लैश डिवाइस, फ्लॉपी डिस्क, जिसके अंदर आपके पास परमानेंट डाटा स्टोर होता है। आपका मोबाइल है उसके अंदर एक रैम होता है, एक आपके पास हार्ड डिस्क होती है, यानी 4/64। 4/64 का मतलब क्या होता है कि 4 GB रैम, 64। जी जी सर, वो मेरी स्क्रीन पे एम लिखा हुआ, कुछ नजर नहीं आ रहा, मतलब क्या पढ़ा रहे हैं आप, बाकी को नजर आ रहा है मैम? सर पता नहीं, बाकी मेरे पे एम लिखा हुआ तो बाकी कुछ नहीं नजर आ रहा। अच्छा मैं देखता हूँ जरा, आप आया नजर? सर एक मिनट, सर ठीक है आ गया, ओके हो गया सर। तो बाकी क्या सो रहे थे, बाकी भी मैं अनम्यूट पर तैयार। अच्छा एनीवेज ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। आप लेट हो गए, मैंने इतना कुछ पढ़ा दिया था पीछे, लेकिन आप गो थ्रू करना, आप गो थ्रू करना। मुझे असाइनमेंट यूट्यूब पे अपलोड हो, सी आर कहाँ है, मुझे असाइनमेंट अभी तक नहीं पहुँची आपकी। मैंने आपको कहा कि नेक्स्ट क्लास से पहले पहले असाइनमेंट मुझे पहुँच जानी चाहिए। सर ट्राई कर रहे हैं सर, ट्राई ना करो, मुझे रिजल्ट चाहिए यार, क्या करते हो आप? हार्ड डिस्क होती है और 4 GB आपकी क्या होती है, रैम होती है। तो रोम के अंदर क्या होता है, आप परमानेंटली उसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जो ये रोम, ये वाला रोम है और जो आपके मोबाइल का रोम है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क, मैंने आपको पहले बताया था ये एक किस्म की फ्लॉपी डिस्क बनी होती है जो पहले वक्तों में यूज होती थी, आप यूज नहीं होती क्योंकि इसके अंदर देखो कितने कम MB हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या होती है, आपका मेन कंपोनेंट होता है, ये आपकी हार्ड डिस्क की एक शक्ल बनी हुई है। आजकल की जो हार्ड डिस्क आ रही है वो इतनी छोटी SSD आ रही है, वो भी आपको दिखा देता हूँ कि आजकल की हार्ड डिस्क क्या है। ये आपको नजर आ रहा है, अब आ रहा है नजर, ये वाला, ये आपकी हार्ड डिस्क है, ये बहुत ही स्मॉल साइज होती हैं, ये फास्टर वर्क करती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेमोरी चिप्स लगी होती हैं, जबकि जो आपके पास ये वाली हार्ड डिस्क होती हैं इसके अंदर क्या लगे होते हैं, आपके पास टेप्स लगी होती हैं, जो मैग्नेटिक टेप्स लगी होती हैं जो इसके ऊपर रिवॉल्व करती हैं और डाटा स्टोर होता है। तो इसमें ये थोड़ी सी स्लो होती हैं जो बनिस्बत SSD आपके पास फास्ट होती हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, आप परमानेंटली डाटा स्टोर कर सकते हैं, 80 GB, 100 GB, अब तो 1000 TB की भी हार्ड डिस्क आ गई हैं। 1000 TB मतलब 1000 GB की भी हार्ड डिस्क आ गई हैं, इतनी ज़्यादा हार्ड डिस्क कैपेसिटी वाली आ गई हैं।
सीडी रोम। सीडी रोम क्या होता है? सीडी रोम वो चीज होती है जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, रीड ओनली कहते हैं, और ये क्या करता है, इस सीडी को क्या करता है, रीड करके जो भी इसके ऊपर डाटा होता है वो उसको आपके डिस्प्ले कराता है। सीडी रोम की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है सीडीआर, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। इसका मतलब क्या होता है, आपने एक दफा इसके ऊपर डाटा स्टोर कर दिया तो आप उसको अरेज नहीं कर सकते। अरेज का मतलब क्या, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते और कोई नया डाटा नहीं लगा सकते। जबकि सीडीआरडब्ल्यू इसका मतलब क्या है, रीराइटेबल। मीन्स क्या, आप इसके ऊपर जितना भी डाटा सेव करो आप उसको रीराइट कर सकते हो, यानी न्यू डाटा आप उसके ऊपर इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको आम सीडी नहीं चाहिए, आपको एक ज्यादा डीवीडी राइटर चाहिए होता है, वो इसका दूसरा होता है। ठीक है, सीडी रोम क्या होता है, एक सिंपल सीडी रोम होता है, एक होता है डीवीडी रोम राइटर होता है। जो सीडी रोम होता है वो जस्ट इन सीडी जो आम सीडी होती है उसको रीड करता है और इन सीडी को भी रीड कर सकता है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि इस डिस्क के ऊपर राइट भी करना है, यानी डाटा सेव भी करना है, तो आपको एक ज्यादा डीवीडी राइटर चाहिए होता है जो उसको डीवीडी को राइट कर सके। इस तरह हमारे पास डीवीडी होती है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, डीवीडी हमारे पास 4.7 MB से लेकर 17 GB तक होते हैं, हम इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। फ्लैश ड्राइव हमारे पास पेन ड्राइव भी कहते हैं, जो आजकल के वक्त में यूज होती है। इसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा कार्ड होता है 2 GB से लेकर 8 GB तक। अब तो 32 GB की फ्लैश ड्राइव, 64 GB की भी फ्लैश ड्राइव होती है, वो कार्ड का साइज इंक्रीज होता है, तो हम इसके अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है इसके स्टोरेज के ऊपर, वो कौन सी जनरेशन कार्ड है, जितनी जनरेशन हाई होगी हम उसके अंदर उतना फास्ट डाटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आज का इतना टॉपिक था, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, अनम्यूट कर लो आप, मैं थोड़ी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना बंद कर देता हूँ।